स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. This act is in to define and amend. ठीक, an act to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief. Certain kinds of specific relief. ठीक है, ये जो एक्ट है ये क्या करता है, हमें क्या देता है, डिफाइन करता है एंड अमेंड करता है क्या, सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स. अब इसका मतलब है डिफाइन एंड अमेंड, दिट मीन्स दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट. राइट, सिर्फ ये ही एक एक्ट नहीं है जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, वी हैव ऑल्सो The Indian Contract Act, ठीक है, जो किससे डील करता है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट से. बेसिकली हमें जो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये क्या बताता है कि आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जाएगा या नहीं. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जाएगा या नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल बी गिवन और नॉट. कौन बताएगा ये हमें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की प्रोविजन की किसी कॉन्ट्रैक्ट का आपको क्या दिया जाए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जाए या ना दिया जाए. राइट, बेसिकली जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, मान लो एक ए है और एक बी है, राइट, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट, ए ने क्या देना था बी को, 100 केजीज ऑफ राइस ऑन, आज क्या डेट है, 14th ऑफ दिसंबर. ठीक, व्हाट ही डिड नॉट परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, और जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं होती तो हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ ब्रीच. राइट, जब इसकी ब्रीच हुई तो ए के पास क्या रेमेडीज थी, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें क्या कहता है कि क्या ले सकते हैं, कंपनसेशन. ठीक है जी, ये रेमेडी हमें कहां से मिलती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से. लेकिन मान लो ए को ये नहीं चाहिए था, उसे क्या चाहिए था कि मुझे तो जी ये ही दिलवाओ, आई नीड दी माई कंसाइनमेंट ऑफ 100 केजीज ऑफ राइस, तो वो कोर्ट के पास जाता है. ठीक है, कोर्ट को जाके बोलता है जी मेरी ये जो कंसाइनमेंट है इसका आप क्या दिलवाइए मुझे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी उसे कौन से एक्ट में मिलेगी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में. तो ब्रीफ सा है ये एक आइडिया कि हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कब जाना है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ब्रीच, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी तो हम कोर्ट के पास जाके क्या कहेंगे, हमें क्या दिलवाओ जी उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. नाउ वी स्टार्ट विद दी आर एफ. सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन 1 जो क्या है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट. दिस एक्ट में बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इनएक्टमेंट डेट कौन सा है, व्हाट इज द इनएक्टमेंट डेट, 13th. वी हैव 13th ऑफ दिसंबर, राइट, और उसकी एनफोर्समेंट कब हुई थी, नीचे देखिए जी फुटनोट्स में, केम इन टू फोर्स ऑन, इट इज 1 मार्च 1964. सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की इनेक्टमेंट कब हुई, 13 दिसंबर 1963. ठीक, और एनफोर्समेंट 1/3/1964 उसके अगले साल. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन क्लॉज. सबसे पहली डेफिनेशन किसकी है, ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन कहते किसे हैं, वैसे जनरल मीनिंग ऑब्लिगेशन का क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑब्लिगेशन,
लाइबिलिटी कह दीजिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्ट ने कैसे डिफाइन है, इट सेज ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ. तो एक्ट इस चीज को, ऑब्लिगेशन को कैसे डिफाइन करता है, वो कहता है कोई भी ऐसा एक्ट जो क्या हो, एन एक्ट और ड्यूटी जो क्या हो, इनफोर्सिएबल हो किसके द्वारा, बाय लॉ. ठीक, उसके बाद हमारे पास दूसरी डेफिनेशन किस चीज की है, सेटलमेंट. सेटलमेंट क्या होता है, मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट. सेटलमेंट का मतलब है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम डॉक्यूमेंट को भी बोल देते हैं, इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट. ठीक, अब इंस्ट्रूमेंट में लिखा क्या जाएगा, इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ विल और कोडिसिल, ये इंस्ट्रूमेंट में विल और कोडिसिल को हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे, राइट. इसके अलावा जो भी लिखित में होगा, वट एवर विल बी इन रिटन, उसको हम क्या मान के चलेंगे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. अदर देन अ विल और कोडिसिल एज डिफाइंड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट, वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डेवोल्यूशन, वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डेवोल्यूशन. डेवोल्यूशन का मतलब क्या, इवॉल्व करना, राइट. डेस्टिनेशन मतलब कि फाइनल, वो किस पे प्रॉपर्टी क्या करेगी, वेस्ट करेगी, राइट, वो बताते हैं. सो इट विल बी वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डेवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में किसमें वेस्ट करेंगे या किसमें लाई करेंगे. डेवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, चाहे फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी का हो या फिर किसका हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का. इज डिस्पोज्ड ऑफ और इज एग्री टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. सो बेसिकली हमारे पास सेटलमेंट क्या है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम ये बताएंगे कि सक्सेसिव इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में किसमें क्या करेंगे, एक के बाद एक वेस्ट करेंगे, दैट हु विल बी द ओनर ऑफ, या फिर किसी भी तरह का और इंटरेस्ट होता है, चाहे वो पार्शियल इंटरेस्ट हो चाहे फिर वो कंप्लीट इंटरेस्ट, राइट, दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट. उसके बाद है हमारे पास ट्रस्ट. ट्रस्ट हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट एंड इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ द ट्रस्ट इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3. ट्रस्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होता है, कोई भी एक ऐसा मान लीजिए कोई ग्रुप होता है, राइट, जिसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो किसके द्वारा होती है, ट्रस्टी. ठीक है, तो इस एक्ट में हमारे पास उन्होंने प्रिसाइजली ये नहीं बताया कि ट्रस्ट होता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि ट्रस्ट हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एंड इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ अ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 9 ऑफ दैट एक्ट. उसके बाद है हमारे ट्रस्टी की डेफिनेशन, व्हाट इज ट्रस्टी. ट्रस्टी कौन होते हैं, Who administers the trust. यहाँ पे लिखा है includes every person holding property in trust. तो उसका मतलब भी यही है कि what is trustee? Who administers the trust? Right? Who takes care of the trust property? ठीक है जी. उसके बाद है हमारे पास अगली डेफिनेशन की क्लॉज में, वो रेजिड्यूरी क्लॉज है, किसका, डेफिनेशन का. उसमें क्या लिख रखा है कि
नॉट डिफाइंड, कोई भी और वर्ड या एक्सप्रेशन जो कहां पे यूज हुआ, इस एक्ट में, इस एक्ट में किसमें, एसआरए में, बट यहां पे वो क्या नहीं है, डिफाइंड, तो उसकी डेफिनेशन हमें कहां से लेनी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसकी डेफिनेशन कहां से लेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास सेक्शन टू। सेक्शन टू में क्या था, डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन कौन सी थी, ऑब्लिगेशन, उसके बाद सेटलमेंट, ठीक है, उसके बाद ट्रस्टी, ओके, देन नेक्स्ट ट्रस्टी, उसके बाद डेफिनेशन जो यहाँ पे नहीं हुए उनकी जो है रेजिड्यू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। आगे करते हैं हम सेक्शन थ्री, सेविंग्स। Except as otherwise provided herein, nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right to relief other than specific performance. Basically, ये act हमें बताता है कि मान लो A है, right? उसने B के साथ क्या किया? Contract. अब उसे specific performance किसी भी कारण से नहीं मिल सकता, right? He cannot avail this remedy of specific performance. Then उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई और रेमेडी अवेल करने का भी चांस नहीं है। He can go in any other act if any other kind of remedy or relief is provided, right? तो सेविंग्स का मतलब ही यही होता है, अगर आपको कोई चीज इस एक्ट के अंडर नहीं दी जा रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बाकी अदर रेमेडीज भी बार है। He can go under any other act. तो कंपनसेशन हमें कहां मिलती है, आईसीएमए कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होने पर, सो ही कैन गो अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आईसीए एंड कैन सीक द रेमेडी ऑफ डैमेजेस इफ दिस रेमेडी इज नॉट बीइंग अवेलेबल टू हिम, राइट, टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। और अगर यहां पर उसको कोई रेमेडी नहीं मिलती तो उसका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी कोई असर नहीं होगा, राइट। वो बेसिकली इसका थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, वो जब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आएगा तब पढ़ेंगे उसका, ठीक है, वो यहां पे उसको करने का कोई फायदा नहीं है अभी में। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन फोर। क्या कह रहा है सेक्शन फोर, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग पीनल लॉज। सिविल राइट, व्हाट इज सिविल राइट, या कह लो व्हाट इज द वायलेशन ऑफ सिविल राइट, कोई भी ऐसा राइट विच इज गिवन बाय सिविल लॉ, ठीक है, जो लॉ होता है वो हमें किस चीज की रेमेडी देता है, जिस चीज को लॉ क्या करेगा, रिकॉग्नाइज, ठीक है, द लॉ विल गिव अस द रेमेडी ऑफ ओनली दोज थिंग्स विच इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। तो जो हमारे पास सिविल राइट्स होते हैं दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, राइट। अब जब सिविल राइट की या सिविल लॉ की क्या होगी, वायलेशन, वी विल बी गिवन रेमेडी, ठीक है। अब ये भी क्या है, एक तरह की रेमेडी। तो ये कहता है सेक्शन फोर कि हमें ये जो है एसआरए है ये हमें किसकी इन्फोर्समेंट की रेमेडी देगा, सिर्फ सिविल राइट्स की। ये हमें किसकी रेमेडी देगा, सिर्फ सिविल राइट्स की, ना कि पीनल लॉज। आप किसी मैजिस्ट्रेट को जाके ये नहीं बोल सकते दैट यू आर बाउंड टू एडमिट माय कंप्लेंट, बट लेकिन आपको अगर सिविल राइट्स में रेमेडी चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तो आप क्या डालोगे उसके लिए, सूट, राइट। सो फॉर द परफॉर्मेंस या एनफोर्समेंट ऑफ योर सिविल राइट्स यू कैन गो टू द सिविल कोर्ट एंड गेट योर राइट्स एनफोर्स्ड बाई दी कोर्ट्स, बट
फॉर इन केस ऑफ क्रिमिनल या पीनल लॉज यू कैन नॉट कंपेल द अथॉरिटीज बाय एनी सूट या फिर कुछ ऐसी और प्रोसीडिंग्स कि आप ऐसा करें कीजिए या कीजिए राइट दे आर नॉट बाउंड टू एंड यू डोंट हैव एनी राइट ठीक है जी सेक्शन फाइव क्या कह रहा है सेक्शन फाइव सेज रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है जो सर्टेन हो राइट जो हमें पता होती है दिस इज द प्रॉपर्टी राइट पर्टिकुलर सो सेक्शन 5 सेज रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इट सेज अ पर्सन एंटाइटल्ड अ पर्सन क्या है पर्सन एंटाइटल्ड एंटाइटल्ड का मतलब क्या होगा टाइटल होना चाहिए हु हैज द टाइटल Either as an owner or agent या उसके पास क्या हो authority हो he has the authority right so a person is entitled to the possession of a specific immovable property may recover it in the manner कैसे which is given under civil procedure CPC so basically section 5 हमें क्या बताता है it just gives a procedure That अगर आपको किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करना है रिकवर करना है तो आप कहां जाएंगे कौन सी प्रोविजन के अंडर यू विल गो अंडर दी सीपीसी इट जस्ट गिव्स दी प्रोसीजर कि आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना है राइट आप रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए कहां जाएंगे फिर सीपीसी में उसकी प्रोविजन को आप फॉलो करेंगे कि अंडर सो एंड सो सेक्शन ऑफ दी सीपीसी वी आर फाइलिंग दी सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ आर इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट सेक्शन 5 में दी पर्सन शुड बी एंटाइटल्ड राइट नाउ वी हैव सेक्शन 6 फॉर सेक्शन 6 सेज इट सेज सूट बाय पर्सन सूट बाय पर्सन डिसपोजेस्ड possessed of immovable property. अब इसमें और सेक्शन 5 में फर्क क्या है सेक्शन 5 में हमारे पास क्या टर्म थी एंटाइटल्ड होना चाहिए वहां क्या होना चाहिए एंटाइटल्ड यहां कौन सा होगा पर्सन हु हैज बीन डिस्पोज़ेस्ड सो हिज एंटाइटलमेंट So the question of being entitled is has no say in this section, right? चाहे फिर वो इंसान ओनर ही क्यों ना हो ठीक है अगर उसने किसी ट्रेसपासर को ट्रेसपासर मान लीजिए या कोई अपने उसका टेनेंट मान लीजिए उसने क्या कर दिया उसे डिस्पोजेस्ड देन दिस पर्सन हु हैज बीन डिस्पोजेस्ड बाय इवन ओनर Can go to the court. Can go to court and seek the remedy under section 6 of SRA. Right? So what section 6 says? If any person is dispossessed, अब dispossession होनी कैसे चाहिए? क्या अगर सामने वाले के पास जिसने उसको dispossessed किया, he has the decree of court, क्या उस केस में वो section 6 में जा सकता है? This is the question, right? So how the dispossession has to take place? Dispossession. It should be without consent, without consent.
course of law. Right? If the person who is being dispossessed is being dispossessed without his consent, right? Yeah, without due course of law, then the person who is dispossessed can go to court for specific court under section 6 and can claim what back? Possession. And claim his possession back. Right? So any person who is being dispossessed even by the lawful owner without consent and without due course of law, then the person can seek the remedy under section 6 of the SRA and can claim what back? Possession. His possession back. So what section 6 says, if any person is dispossessed without his consent of immovable property, otherwise without his consent and otherwise in due course of law, then he or any person through whom he has been in possession by suit. कैसे जाएगा वो court? क्या file करेगा? Suit. By suit recover what back? Possession. Recover possession notwithstanding any other title. Notwithstanding any other title. चाहे फिर जिस इंसान ने उसको क्या किया, डिस्पोजेस्ड किया, उसके पास चाहे ओनरशिप का टाइटल ही क्यों ना हो, ही कैन नॉट डिस्पोजेस एनी पर्सन विदाउट कंसेंट एंड ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. राइट? नेक्स्ट सबसेक्शन 2. नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट. नो सूट सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 says, no suit under this section shall be brought after the expiry of 6 months. Yani ki, the person who has been dispossessed, he has to file a suit under section 6 within the 6 months duration. Kab se? The date of dispossession. The date from dispossession. Agar 6 mahine ke baad ho jata hai, then he has no remedy under section 6. But he can seek any other remedy which is provided under law. But section 6 mein agar usko jana hai, then it has to be within 6 months. This is the, basically this is the limitation period for section 6 only. Theek hai ji, limitation period for filing a suit under section 6 of SRA. Now iska clause 2. Clause 2 of subsection 2 kya kehta hai? It says, no suit under this section shall be brought against the government. मान लीजिए अगर किसी इंसान को government ने क्या किया? Dispossessed. कैसे? Without consent and due course of law, then the person has no remedy. ठीक है? He cannot go to the court against the government. क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि अगर सरकार ने उसको dispossessed किया है, then government has the authority. इसीलिए इस section की application उन provisions में नहीं होती when the person is being dispossessed by the government. Right? This is being presumed that if the government is dispossessing any person, then it is under due course of law. ठीक, उसके बाद है subsection 3. What subsection 3 says? No appeal shall lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review. Jab section 6 ka, we will have the judgment. Theek hai ji, when we will have the judgment, to us judgment pe na hi appeal hogi aur na hi review hoga. To kya koi remedy hi nahi hai person ke paas? Yes. Revision. Revision can lie to High Court. ठीक है जी, but appeal or review की remedy नहीं होगी. कौन सी remedy होगी सिर्फ? Revision. Subsection 4. Nothing in this section shall bar any person from suing to establish
establish his title to such property and to recover possession thereof. हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 6 में कि इवन अ ट्रेसपासर कैन गो, ठीक है, ट्रेसपासर कैन सीक रेमेडी किसके अगेंस्ट, इवन द ओनर. अब सेक्शन सबसेक्शन 4 में वो कहते हैं कि ये तो जा सकता है सेक्शन 6 में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ओनर के पास कोई रेमेडी ही नहीं है. ठीक है जी, ही कैन ऑल्सो फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 5 एंड कैन क्लेम हिज रिकवर एंड कैन क्लेम द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, बाय प्रूविंग हिज व्हाट, टाइटल. ठीक, तो इसके पास कौन सी रेमेडी है, सेक्शन 6. इसके पास कौन सी रेमेडी है, सेक्शन 5. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 6. बेसिकली सेक्शन 6 हमें इट डिस्करेजेस द पर्सन फ्रॉम यूजिंग फोर्स to dispossess any person. Section 6 का basically principle है कि अगर आपको अपने premises को या अपनी property को खाली करवाना है, then come to court. You are not required कि उसका सामान उठाया बाहर फेंक दिया. No, ऐसा नहीं करना.